सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल की दूसरी वीडियो पे। खैर वैसे इसे दूसरी वीडियो नहीं कहेंगे, इसे पहली कहना चाहिए, क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसमें कुछ मिसिंग है और वही मेरे को इसमें कम्प्लीट करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले ये वाली वीडियो देखो और उसके बाद फिर वो वाली वीडियो देखना अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो। एनी वे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली वेलोरेंट एक 5v5 फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसमें एक साइड में अटैकर्स की टीम होती है और दूसरी साइड में डिफेंडर्स की टीम होती है। अटैकर्स का काम होता है बॉम्ब प्लांट करना, जिसे हम बोलते हैं स्पाइक, और डिफेंडर्स को ऐसा होने से रोकना होता है। और एक बार स्पाइक प्लांट हो गया तो वो टोटल 45 सेकंड तक रहता है। अब यार यहाँ पर तीन चीज़ें हो सकती है। पहली, अगर मान लो स्पाइक प्लांट हो गया और वो 45 सेकंड के बाद एक्सप्लोड हो जाता है तो फिर ऑफकोर्स अटैकिंग टीम जीत जाएगी। वहीं अगर मान लो बॉम्ब प्लांट हुआ और फिर डिफेंडिंग टीम ने उसको डिफ्यूज कर दिया तो वो डिफेंडिंग टीम जीत जाएगी। अब यहाँ पर तीसरी चीज भी हो सकती है जो कि है टीम वाइप आउट, यानी स्पाइक प्लांट होने से पहले ही अगर किसी ने पूरी स्क्वाड को ही उड़ा दिया तो फिर वो जीत जाएगी। सो हर एक मैच टोटल 25 राउंड तक जा सकता है, जिसमें हर एक मैच 100 सेकंड्स का होता है। जो टीम पहले 30 राउंड जीत जाती है वो पूरे मैच को जीत जाती है। हर राउंड के स्टार्टिंग में हमें 30 सेकंड्स मिलते हैं जिसमें हम वेपन्स एंड गियर्स खरीद सकते हैं। अब ये गेम दूसरे गेम से अलग इसलिए है क्योंकि इस गेम में है एजेंट्स और हर एजेंट के पास बहुत डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। अब CS:GO जैसे गेम्स में तो सिर्फ बॉम्ब्स एंड स्मोक्स ही मिलेगा ना, पर वैलोरेंट में इसके अलावा मिलेगा केज, पॉइजन, लैश, बॉम्ब, स्मोक, नाइफ, इवन वॉल। मतलब यार इस गेम में बहुत कुछ है, सच बता रहा हूँ, लिटरली बहुत कुछ है। एजेंट की बात चल रही है तो वैलोरेंट में करंटली 11 एजेंट्स हैं जिसमें हर एजेंट के पास डिफरेंट एबिलिटीज है। अगर आपको एजेंट के बारे में इन डेप्थ जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसकी वीडियो चाहिए कि नहीं हर एजेंट के बारे में। सो गेम स्टार्ट करते हैं, हमारे सामने एक लॉबी दिखती है जिसमें मिडल लेफ्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर गन्स की जो भी लेटेस्ट स्किन्स आई है शॉप में वो दिखाया गया है। उसके नीचे देख सकते हैं पैच नोट्स दिखा है, इसका मतलब कि अभी जो रिसेंट अपडेट हुआ था उसमें क्या क्या डाली गई है वो सब दिखाया जाता है। उसके नीचे जो अभी तक जो तीन मोड है उसके बारे में बताया गया, जो कि है पहला कम्पिटेटिव, दूसरा अनरेटेड और तीसरा स्पाइक रश। टोटली यहाँ पर मतलब टाइम दिखा है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि वो गेम कैसा होगा ऐसा दिया गया है। सो कम्पिटेटिव 30-40 मिनट्स का होता है, अनरेटेड भी सेम 30-40, एंड स्पाइक रश होता है वो होता है 8-10 मिनट्स का। तो जैसे ऊपर प्ले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक टाइप का टीम शो करता है जिसमें हम और हमारे टीम मेंबर्स होते हैं। एक मैच में टोटल टीममेट 5 हो सकते हैं इंक्लूडिंग अस। और फिर हमारे सामने ये अपना प्लेयर कार्ड डिस्प्ले होता है जो कि हम कोई भी कार्ड चेंज कर सकते हैं, वो जैसे जैसे मिशन करते जाएंगे वैसे वैसे वो अनलॉक होते जाते हैं। सो जैसे मेरे अलावा यहाँ पर 4 स्लॉट और खाली है तो हम देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में जो भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको इन्वाइट भेज सकते हैं। तो राइट क्लिक करके इन्वाइट का और रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का ऑप्शन आता है। इनवाइट मतलब हम उनको हमारे यहाँ पर खेलने के लिए इनवाइट करेंगे, और अगर हम इनवाइट करते हैं तो हम एक टाइप के होस्ट हो सकते हैं, यानी हम ही स्टार्ट करेंगे मैच। और वहीं अगर हमने रिक्वेस्ट टू ज्वाइन किया तो हम उनके वहाँ पर जाएंगे तो उनके पास मर्जी होगी कि वो जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर पार्टी स्टेटस ऑन या फिर ऑफ रख सकते हैं, ओपन यानी कि वो कभी भी एंटर कर सकते हैं बिना रिक्वेस्ट किए ज्वाइन के लिए, और अगर हम क्लोज कर देंगे तो सेम उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल 4 मोड होते हैं, अनरेटेड, कॉम्पिटिटिव, स्पाइक क्रश एंड कस्टम गेम। अनरेटेड मतलब वो एक स्टैंडर्ड गेम होता है, 13 राउंड्स पहले जो जीत जाता है वो जीत जाता है, सिंपल है। कॉम्पिटिटिव में रैंक होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप अच्छा खेलते जाओगे तो आपकी रैंक इंक्रीज होगी, एंड सेम अगर बेकार खेले तो डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे रैंक ऊपर होगी वैसे वैसे कॉम्पिटिशन टफ होता जाएगा। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जैसे पबजी जैसे गेम्स में जैसे होता है कि मान लो गोल्ड 1 है और गोल्ड 1 है 2 और 3, ठीक है, तो इसमें पबजी में गोल्ड 1 ज्यादा वैल्यूएबल होता है, मतलब ज्यादा उसका वो दिया जाता है, सिवाय गोल्ड 3 के। पर वैलोरेंट में गोल्ड 3 ज्यादा अच्छा माना जाता है और गोल्ड 1 उससे कम अच्छा। स्पाइक रश तो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जल्दी बनाऊंगा। और जो कस्टम गेम्स होते हैं, यानी कि उसमें आप मान लो आपके 5 से ज्यादा फ्रेंड्स ऑनलाइन है, जैसे 7-8 हैं, तो आप चाहे तो एक 4v4 अगर 8 लोग हैं तो 4v4 मैच कर सकते हो, जिसमें आप खुद ही चूज कर सकते हो आपको कौन सी मैप चाहिए और कौन सा मोड होना चाहिए, यानी कि स्पाइक रश या फिर अनरेटेड। ऑल्सो आप उसमें चीट्स एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, चीट्स कैसे कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी जल्दी आ जाएगी। करंटली इस गेम में टोटल 4 मैप्स है जिसका नाम है स्प्लिट, बाइंड, हेवन, एंड अभी जो लेटेस्ट निकला उसका नाम है एक्सेंट। सारे मैप में दो ही साइड है बॉम्ब रन करने के, सिवाय हेवन के, हेवन में 3 साइड है। सो जैसे एक सर्वर मिलता है तो टोटल 5 सेकंड्स शो करता है कि 5 सेकंड के बाद आप सर्वर में चले जाओगे, तो उस टाइम पे स्टार्ट होता है एजेंट सिलेक्शन का। तो एजेंट सिलेक्शन सबसे ज्यादा मेन रोल निभाता है वैलोरेंट में। एजेंट सिलेक्शन के लिए आपको फेवरेट एजेंट पे 2 बार क्लिक करना चाहिए, एक बार नहीं, क्योंकि पहली बार क्लिक करने से उसे सिलेक्ट होगा और दूसरी बार क्लिक करने पर
बाद आप लॉक इन कर सकते हैं, उसके बाद फिर लॉक इन पर क्लिक कर देना। मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं होता है, तो आप उनसे बात करके नहीं बोल सकते कि मेरे को ये एजेंट चाहिए, तुम दूसरे एजेंट रख लेना, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी आपका फेवरेट एजेंट हो उस पर डबल क्लिक जल्दी से करना और फिर लॉग इन कर लेना। तो गेम में लैंड करने के बाद यहाँ पर तीन फेज होता है, प्री राउंड, मिड राउंड एंड पोस्ट राउंड। प्री राउंड में हमारे पास 35 सेकंड्स होते हैं जिसमें हम गन खरीद सकते हैं, गियर्स खरीद सकते हैं और फिर जहाँ भी जाना जा सकते हैं। तो मिड राउंड में सब फाइटिंग वगैरह शुरू होती है और फिर जो पोस्ट राउंड होते हैं वहाँ पर टोटल 5 सेकंड्स होते हैं, तो उसमें आप जो भी चाहे एनिमी की गन वगैरह उठा सकते हैं। मैं एक और बार क्लियरली बता देता हूँ कि मैच को जीतने के लिए 13 राउंड जीतना पड़ता है और टोटल यानी मैक्सिमम मतलब 25 राउंड तक जा सकता है। मान लो अटैकिंग टीम जीती, फिर डिफेंडिंग टीम जीती और ऐसे करते करते मान लो 12 हो गया, तो देखा जाए तो आपने टोटल 24 मैच खेले ना, और फिर जो 13 जीतता है वो जीत ही जाता है पूरे गेम। इसके बाद के जो भी अभी टॉपिक्स है वो से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था, जो कि मेरी पहली वीडियो ही है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो कोई भी अगर इस गेम को डाउनलोड करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ही कम है। लाइक 4GB रैम अगर होगा आपके पीसी में तो वो आराम से चल जाएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ गई होगी। अगली वीडियो आएगी गन्स के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो है, मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सी गन आपको लेनी चाहिए, आई मीन इतने पैसों में कौन सी गन लेनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।